डॉक्टर एंथोनी, जिन्होंने कही कोरोना के कभी न खत्म होने की बात। एंथोनी स्टीफन फाउची अमेरिकी फिजिशियन और इम्यूनोलॉजिस्ट यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञानी हैं। उनका जन्म 24 दिसंबर 1940 में हुआ था। डॉक्टर एंथोनी ने साल 1984 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक के रूप में कार्य किया है। फिर जनवरी 2020 से वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 2019 से 20 कोरोना वायरस महामारी को संबोधित करने वाले व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य हैं। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फाउची ने कहा कि कोरोना वायरस फैलने से पहले अमेरिका जिस स्थिति में था वहां शायद कभी नहीं पहुंच पाएगा। अगर इस महामारी का कोई असरदार इलाज या वैक्सीन नहीं मिलते तो मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या बिना किसी वैक्सीन या इलाज के देश में हालात सामान्य हो सकते हैं। इस पर डॉक्टर फाउची ने कहा कि यदि सब कुछ सामान्य होने का मतलब है कि कभी कोरोना वायरस जैसी महामारी आई ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा तब तक संभव हो पाएगा जब तक कि हम आबादी को इससे पूरी तरह बचा पाने में समर्थ न